लगाया जाएगा। और ये बेसिकली जो इंडियन मिलिट्री के अंदर ये एक ड्राइव है कि हमें जो इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए मॉडर्नाइजेशन इंडियन मिलिट्री के अंदर करने की, ये उस ड्राइव का एक हिस्सा है पहली बात। तो दूसरी बात यह है कि इंडिया ने इस चीज़ को महसूस किया कि उनकी जो टू फ्रंट वॉर है उसकी पॉसिबिलिटीज बढ़ती जा रही हैं, तो जो मिलिट्री जो वेपन्स हैं वो स्टेट ऑफ द आर्ट होने चाहिए। और इंडियन आर्मी ने ये कहा कि जी ये जो ड्रोन हम ले रहे हैं, हेरोन टीपी ड्रोन जो हैं ये लीज पे ले रहे हैं इसराइल से, जो कि जैसे मैंने कहा कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे होंगे और ये सर्वेलेंस लॉन्ग सर्वेलेंस मिशंस के लिए होंगे। अब देखना ये है कि ये कहा जा रहा है कि ये जो हेरोन टीपी है, ये जो ड्रोन है ये राफेल जितना 14 मीटर जो है वो लंबा है, और इसके अंदर जो इसकी टेक्निकलिटीज हैं वो तो हैं ही हैं, और लेकिन ये इसराइल की जो एरोस्पेस इंडस्ट्री है ये उसने बनाया है। और ये कहा जा रहा है कि ये एक मीडियम आल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस अनमैन्ड एरियल जो सिस्टम है और ये वो है, और अबव ऑल ये तमाम वेदर के लिए और स्ट्रेटेजिक मिशंस के लिए ये ड्रोन है। जो इंडिया इस वक्त ड्रोन इसराइल से ले रहा है, बेसिकली ये नॉन वेपनाइज्ड वर्जन्स है। इसकी वेपनाइज्ड वर्जन्स भी हैं लेकिन ये नॉन वेपनाइज्ड वर्जन ले रहे हैं, और ताकि ये मैसेज भारत देना चाहता है चाइना को कि शायद जो ड्रोन्स वहां पे आ रहे हैं वो सिर्फ सर्विलेंस करने के लिए, या जो चाइनीज आर्मी की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की जो मूवमेंट है उसको देखने के लिए, कि कल कलां को कुछ इस तरह के वाकयात से बचा जा सके और जो हमें सरप्राइज मिलता है इंडियन आर्मी से वो ना मिले। अब जाहिर बात है पाकिस्तान में भी इसको ये सोचा जा रहा है कि अगर इंडिया ये तो कह रहा है कि हम इसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे लगा रहे हैं, लेकिन इसकी क्या गारंटी है और ये कैसे कहा जा सकता है कि ये पाकिस्तान के बॉर्डर पे नहीं लगाया जाएगा, या ये एलओसी पे नहीं लगेगा, या पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर नहीं आ सकता। चले बॉर्डर तो ठीक है, हमारा मैंड है वो सारा क्लियर है, लेकिन जो लाइन ऑफ कंट्रोल है जहाँ पे पाकिस्तान और चाइना के मामला खराब रहते हैं, गो के अभी रिसेंटली जो डीजीएमओ की टॉक्स हुई है वहां पे हमने 2003 का जो सीज फायर एग्रीमेंट है उसको मटीरियलाइज किया, जो कि बहुत अच्छा स्टेप है, स्टेप इन राइट डायरेक्शन जिसे कहना चाहिए। तो पाकिस्तान तो ये समझेगा कि ये जो ड्रोन हैं ये एलओसी के लिए के भी हैं। अब ये तो नहीं कहा जा सकता, या जाहिर बात है ये ना कोई उनसे पूछ सकता है इंडियन से कि भाई आप चाइना के लिए ले रहे हैं, पाकिस्तान के लिए ले रहे हैं, या किसी और मुल्क के लिए ले रहे हैं, लेकिन टेक्निकली तो ये दोनों तरफ इस्तेमाल हो सकता है। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल आजकल बात पाकिस्तान में चल रही है, क्योंकि पाकिस्तान के फॉरन ऑफिस ने बड़ा और फॉरन मिनिस्टर ने बड़ा क्लियरली कह दिया है कि हम अमेरिका को जो है वो मिलिट्री बेसिस नहीं देंगे, बल्कि तालिबान ने भी कह दिया पाकिस्तान को कि जी कोई मिलिट्री बेसिस ना दे वरना ये खत्ते के लिए अच्छा नहीं होगा। अगर वो मिलिट्री बेस लेते हैं तो इसकी क्या गारंटी है कि वो जो अगर वहां से ड्रोन उड़ते हैं या जो सर्विलेंस बर्ड्स उड़ेंगे वो सिर्फ अलकायदा और इस्लामिक स्टेट के लिए, वो हो सकता है वो चाइना के लिए हो, वो हो सकता है चाइना को डील इंडो पैसिफिक के लिए हो, ईरान के लिए हो, तो वो तो पूरे खित्ते के लिए हो सकते हैं, तो ये एक रशिया के लिए हो सकते हैं। सो ये एक चीज है कि ये डुअल पर्पस के लिए इंडियंस इस्तेमाल कर सकते हैं। और जाहिर बात है कि अगर पाकिस्तान ने ये 2003 का सीज फायर एग्रीमेंट किया है तो इस एग्रीमेंट के तहत भारत इस चीज को मेक श्योर करने के लिए कि जिस तरह भारत कहता है कि जी पाकिस्तान से दरअंदाजी होती है, असला गिराया जाता है छोटे ड्रोन्स की तरफ से, या मुजाहिदीन आते हैं, या बहुत सारी जो बातें वो भारत करता है, तो वो रूटीन में वो समझते हैं अगर हमने 2003 के सीज फायर एग्रीमेंट को मटीरियलाइज करना है तो उसको जो हम निगरानी कर सकते हैं वो तो करेंगे, लेकिन हम ये अगर ड्रोन से मदद ले लें चेक करने के लिए तो ये शायद इंडिया को काफी इसमें सपोर्ट मिल सकती है। अभी ये पहले दो ड्रोन जो हैं ये बहुत जल्द पहुंच रहे हैं, और जो बाकी दो ड्रोन्स हैं वो तकरीबन 3 माह के बाद जो पहुंचेंगे इंडिया के पास। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट था भारत और इसराइल का, ये इसी साल के आगाज में इन्होंने किया था, और एक तरफ जारी बात है एलएसी के ऊपर मामलात देखने के लिए और दूसरा एलओसी के ऊपर मामलात को देखने के लिए। और ये जो जो लीज है, ये जो लीज पीरियड है,
ये 3 साल का है और इसमें 2 साल की एक्सटेंशन भी हो सकती है। लेकिन अगर भारत इतनी ज़्यादा तकरीबन 120 बिलियन डॉलर की जो है वो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन पे, तो भारत को अपने ड्रोन्स बनाने चाहिए और इस तरह पैसे लगाने से मेरा ख्याल है कि एक तो भारत अपनी वो जो एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की ऑप्शन है वो एक्सरसाइज करना चाहता है, ताकि ये मैसेज जाए जनाब के हम इसराइल, अमेरिका, फ्रांस हर जगह से वेपन्स ले रहे हैं और हम कहीं और नहीं, और तमाम ममालिक को जो है ना वो जिन्होंने पंजाबी कहते हैं ना कुंडी पा के रखना, ताकि सो दैट सबके साथ जो है ना रबता भी रहे। और ये कहा जा रहा है कि जो इंडियन आर्मी है फर्स्ट टाइम जो है वो मिलिट्री इक्विपमेंट जो है वो लीज पे ले रही है, और ये जो एक नॉन वेपनाइज्ड वर्जन है इसको आप देखते हैं कि ये किस तरह इस्तेमाल करते हैं, ये तो बाद में पता चलेगा, क्योंकि कल कलां को अगर कुछ इस तरह की इंटेलिजेंस शेयर करते हैं पाकिस्तान से, कुछ अगर इंडिया फील करता है कि देखें जी ये LOC के ऊपर मूवमेंट हो रही है, हमने इस चीज़ को मॉनिटर किया, ये चीज़ देखी, वो चीज़ देखी, तो पता चलेगा फिर पाकिस्तान को कि ये सिर्फ और सिर्फ LSE के ऊपर नहीं है, ये LOC के ऊपर भी है। अच्छा, इंडियन आर्मी और जो इंडियन एयरफोर्स हैं ये माजी में भी जो प्रीवियस जनरेशन जो हेरोन की थी और एंड सर्चर 2 ड्रोन्स की थी वो भी इस्तेमाल करते रहे, और ये काफ़ी कैपेबल ड्रोन समझा जा रहा है। इसकी रेंज जो है वो 1000 किलोमीटर है और 30 घंटे तक ये जो है वो उड़ सकता है, और ये अपने साथ जो अपना पेलोड भी लेके जा सकता है, जो मैक्सिमम पेलोड वेट है वो 2700 किलोग्राम का है। तो ये एक आप समझ लें कि पेलोड से मुराद यही है कि अच्छा वाला असला भी लेके जा सकता है, लेकिन अब जाहिर बात है कि ये किस हद तक वो उसको इस्तेमाल करते हैं या नहीं करते, ये एक सवाल है। इसकी फिर जो टेक्निकलिटीज है मैं उसमें नहीं जाना चाहता, क्योंकि आई एम नॉट अ मिलिट्री पर्सन, मैं इसकी जो स्ट्रेटेजिक एंड पॉलिटिकल साइड है मैं उसी में रहना चाहता हूँ, लेकिन इसकी जो है मैं वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो इसकी स्पेसिफिकेशन है वो डिस्कस कर रहा हूँ। इसके अलावा भी भारत जो है वो इसराइल के से वो अपने जो पिछले 90 के करीब जो जो ड्रोन्स हैं उनको भी अपग्रेड करना चाह रहा है, और अपने आप को मजीद इसमें जो है वो चाहता है कि उसकी जो टेक केयर करने के लिए भी जो इक्विपमेंट और जो जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो होनी चाहिए, और इसराइली एयरफोर्स और जो इसराइल की आर्म्ड इंडस्ट्री है उसका भारत के साथ एक अच्छा स्ट्रॉन्ग कोऑपरेशन है। गो के पाकिस्तान जब इसराइल का नाम आता है तो हम तो सारा टाइम ये समझते हैं भाई कि ये एक साजिश होगी हमारे खिलाफ, अब इसराइल आ गया है, क्योंकि माजी में हम ये समझते रहे हैं और ये हमारा बिलीव था यहाँ पाकिस्तान में कि जो इंडिया है वो पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको हिट करना चाहता है, तबाह करना चाहता है, और इसके लिए इसराइल की मदद लेगा, और फॉर लॉन्ग यहाँ पे जो हमारी जो स्ट्रेटेजिक कल्चर है उसमें पॉलिटिकली, मिलिटरली, सोसाइटी में, हमारे लिटरेचर में, मुआशरे में, जो किताबों में लिखा गया उसमें ये कहा गया कि अमरीका, इंडिया और इसराइल पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को तबाह करना चाहते हैं, और ये एक जो हम समझते हैं कि ये इसलिए था कि इंडिया वैसे पाकिस्तान का जारी बात है हरीफ है, दूसरी तरफ इसराइल जो है वो ये समझता है कि न्यूक्लियर, पाकिस्तान पहला इस्लामी मुल्क है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन है, तो ये एक हमारा यहाँ पे पर्सपेक्टिव रहा है पाकिस्तान में। कई लोग इसको कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कहते हैं, कई लोग कहते हैं कि नहीं दिस वॉज ऑल इट वॉज गोइंग ऑन, जारी बात है अगर आप मिलिट्री के लोगों से पूछोगे तो उनका यही मौकफ है, अगर आप सिविलियन से पूछेंगे तो वो they take it in a different way. So what is important right now to understand ke ye jo serious jaise air birds jo hai wo india le raha hai israel se, isse zari baat hai ke india ki jo apni protection hai, apni jo apne aap ko ek environment dena, apni army ko environment dena intelligence ke hawale se, usme kafi zyada fark padega और इंडियन जो है वो आर्मी के अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा, और बेसिकली इन ड्रोन्स के जो लेने का मकसद है प्राइमरली जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि किसी भी किस्म के कॉन्फ्लिक्ट से बचा जाए। सर्विलेंस करने से तो जारी बात है